Hello, so finally, after almost 1.5 years of sitting at home and doing nothing and dreaming of vacations, I'm finally again in Croatia. So our first stop is the city of Split. This is our first stop and यहाँ का जो main attraction है, which is the Diocletian Palace. What is the pronunciation? Diocletian Palace. I don't know if that's the correct one or not. One of the most famous emperors there was Diocletian Caesar, and according to Croatians, बहुत ही बड़ा structure. So we'll go and find out. हमने देखा एक अंडर कलर्स ऑफ बेनेटन. एक्चुअली लग तो नहीं रहा फेक, बट हू नोस. बेटर कॉफी देन होल ऑफ लंदन. दिस इज द प्लेस टू चेक ऑफ. दैट इज अ हाई बार, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज इन क्रोएशिया. ज़्यादा हो गया वो. नहीं नहीं सही. वेट, लेट्स बाय सम. 7th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, कितना आप सकते हैं. ये इंडिया की याद दिलाता है बचपन में. ऐसे बहुत सारे मेलों में आई थिंक ऐसे होता था. यू कैन जस्ट मेजर योर हाइट. यूरोप काफ़ी ज़्यादा इंडिया जैसा है. आई थिंक थोड़ा सा कल्चर और वही इट्स कमिंग बैक फ्रॉम ओल्ड टाइम्स, तो इट्स नॉट एज मॉडर्नाइज्ड जो हम वेस्टर्न अमेरिका वगैरह में देखते हैं. ये बहुत क्लीन सिटी है. इट्स सो नाइस, पीपल आर रियली फ्रेंडली. वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. To buy Game of Thrones gear, but Mac hasn't watched Game of Thrones. What is this, Mac? Can you please tell us? ये वो दूसरे में explain करेंगे ना. अभी मैंने सोचा नहीं है सर. Guys, welcome to Diocletian Castle. It is the main spot of Split. It's the must see, probably the only thing to see, but it is a must see. And to give some background, ये बना था 3rd century BC में by a king named Diocletian. तो उसने वो he was the first common man who became a Caesar. तो जाहिर सी बात है, he was not the first, but just a common man. Just a common man, just like a guy who shall not be named. वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फ्यू जिसकी डेथ्स असैसिनेशन से नहीं हुई एंड ही डाइड ऑफ नेचुरल डेथ्स. एंड द अदर थिंग अबाउट दिस इज लाइक इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. लाइक 3rd century BC AD में बना है. तो देर हैज़ बीन इजिप्शियन इन्फ्लुएंस, देर हैज़ बीन इटालियन इन्फ्लुएंस, देर हैज़ बीन रोमन इन्फ्लुएंस एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस, द विच यू कैन सी ऑन डिफरेंट स्टेजेस. ये पैलेस था, तो देर इज़ ऑल्सो कैथेड्रल, देर इज़ अ म्यूजियम, देर इज लिविंग एरिया एंड सो ऑन, बरियल ग्राउंड. बहुत कुछ है देखने के लिए. काफ़ी सही स्पॉट है, मतलब वी रियली लाइक इट. द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं नीचे, तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. दिस वाज द पेरिस स्टाइल किंग जो है एड्रेस देता था अपने लोगों को. सीजन 5 एपिसोड 4 हम देख के आए हैं, अपना होमवर्क करके आए हैं. आई डोंट नो व्हाट इट वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर, सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल. हमारे
टूर गाइड ने बताया कि वो वर्शिप करता था एंड द लोकेशन ऑफ कि कहाँ पे सन है दैट डिपेंड्स कि कौन से गॉड को वर्शिप करता था बट आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस इफ़ दैट इज़ ट्रू देन डेफिनेटली जो उसने बोला था कि जो एम्परर है डायक्लेशियन ही हैड सुपर 220 IQ आई डोंट थिंक दैट विल बी ट्रू इफ ही वॉज डूइंग इट्स कॉल्ड वेस्टिब्यूल Terrace, and this is how it looks. And then there is also, like, if you go up, this is how it looks. And this one is a tower built by Venetians in 13th century. So it's very Italian architecture. This is the crypt. यहाँ पे baptistry होती है, जो भी. यहाँ पे कोई holy water tower. ये भी था क्या जियो टी में होगा ही इट्स ऑल अंडरग्राउंड दिस इज दैट वेल